रहे हैं न्यूज इंडिया, आपको सीधा महाराजगंज लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। कोई भी अछूता नहीं रह सकता, अमीर हो गरीब हो, किसान हो या मजदूर, व्यापारी कारोबारी या कर्मचारी, दुनिया के हर नागरिक पर किसी न किसी रूप से इस पर असर पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत हिम्मत वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। बनाएंगे ना, भारत को ताकतवर बनाना है ना, आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये गौर परिवारवादी, लोग कभी भी भारत को समर्थन नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये घोर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? इस कोरोना काल में आपने देखा है कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन घोर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था। उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे हैं। भारत बहुत आगे निकल गया है और आज हमारा भारत अपने नागरिकों को 225 करोड़ वैक्सीन, 225 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगा चुका है। आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है? जरा हाथ को पकड़ बताइए, लगा है टीका? आपको एक रुपया भी खर्च करना पड़ा है क्या? कोई पैसा देना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है।
शक्तिशाली भारत की ताकत है। लेकिन ये गौर परिवारवादी अपने स्वार्थों की वजह से भारत को ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। हराओगे फिर से उनके महल में वापस भेजोगे, हर सीट पर पटकनी देनी है, देंगे क्या? कोई सीट उनके पास जानी नहीं चाहिए, करोगे ना? चाहे बीजेपी हो या निषाद पार्टी या अपना दल, हर कोई जीत करके आना चाहिए, करोगे ना? भारत के आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश कभी भी माफ नहीं करता। तो एक और जो हम